ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों की। यूपी नगर पालिका चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। नगर पालिका में अब तक बीजेपी 4 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 4 सीटों पर बढ़त बढ़ाते दिखाई दे रही है। बीएसपी 2 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन आगे रुझानों में, 16 मेयर सीटों पर बीजेपी आगे, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। कांटे का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो रुझानों में 16 मेयर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पर राहत की बात कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ही मौजूदा वक्त में सरकार भी है और ऐसे में अब नगर पालिका चुनाव की काउंटिंग में भी अब भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे रुझान अब यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सामने आ रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ मेरी सहयोगी रेशु त्यागी मेरे साथ जुड़ रही हैं। रेशु, क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, क्या कह रहा है शुरुआती समीकरण? जैसे अक्षय, अभी आपने बताया कि बीजेपी और सपा में जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है, तो शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और इस दौरान बीजेपी की प्रत्याशी फिरोजाबाद में तिलक नगर वार्ड से जीत चुकी है पूनम शर्मा। ये पहली जीत हुई है निकाय चुनाव में बीजेपी की और लगातार जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अक्षय, इस चुनाव को हमें समझने की जरूरत भी है, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव होता है इसमें शहर के लोग और कस्बे के जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। तो पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत में जो बैलेट पेपर है उससे अपने मत का इस्तेमाल मतदाता करते हैं। इसके साथ ही मेयर का जो चुनाव होता है उसमें ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। तो बैलेट पेपर से जो कह सकते हैं कि रिजल्ट है उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा, लेकिन ईवीएम से जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो लगातार हम आपको यहां पर बता भी रहे हैं। और आपने भी जैसा कि बताया, देखिए लोनी नगर पालिका पर सपा रालोद गठबंधन आगे है और इसमें रंजीत धामा बीजेपी से आगे निकल गई हैं। इसके साथ ही अगर मैं हमीरपुर की यहां पर बात करूं तो हमीरपुर नगर पालिका मोधा से नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जो बीएसपी है वो यहां पर बीएसपी देखिए आगे चल रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि बीएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कई सीटों पर आगे निकली थी और बीएसपी के कई मेयर भी इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अक्षय, अगर हम यहां पर बीजेपी की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। मेहनत इसलिए की है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, आप जानते ही हैं, और इस चुनाव को हम सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का ये सेमीफाइनल कहा जा सकता है। चाहे सपा की बात की जाए, चाहे बसपा की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, तो तमाम पार्टियों ने जी तोड़ इस दौरान यहां पर मेहनत की है। लेकिन आपको याद ही होगा कि चुनाव के वक्त खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए, उन्होंने एक नहीं बल्कि दर्जनों रैलियां की, जनसभाएं की, और बीजेपी का शायद ही कोई ऐसा दिग्गज नेता होगा जो लोगों से नहीं मिला होगा। एक एक वार्ड पर जाकर लोगों से बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने मुलाकात की। अच्छा, इस बार की अगर चुनाव की हम यहाँ पर बात करें तो नए प्रयोग भी बीजेपी ने इस दौरान किए हैं। देखिए बीजेपी ने क्या प्रयोग किया है इस बार, बीजेपी को पसमांदा का साथ पसंद है। पसमांदा यानी कि भारतवंशी मुसलमान, यानी कि पिछड़े मुसलमान। इस बार कई सारे जो पसमांदा हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया और वो अब अगर ये प्रयोग बीजेपी का सफल हुआ तो कह सकते हैं कि विधानसभा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ये जो प्रयोग है वो सफल हो सकता है। तो लगातार जो फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसके साथ ही आप देखिए कि हम देखते थे कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको जो सवर्ण है उनको माना जाता था, इसके साथ ही ओबीसी को माना जाता था और जो शहरी वोटर्स हैं उनको माना जाता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने कस्बे में अपनी पैट बहुत ज्यादा मजबूत की, क्योंकि ज्यादातर जो पसमांदा मुसलमान है वो कस्बों में निवास करते हैं, कस्बों में रहते हैं। बिल्कुल, आपने पसमांदा मुसलमानों का जिक्र किया कि बीजेपी ने उन पर भी दांव खेलने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं पसमांदा मुसलमानों को अपने खेमे में लाने का प्रयास किया, जिसका
असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि नतीजे अब से थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। लेकिन रेशु, जैसा आपने शहरी क्षेत्रों का जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी हमेशा से बढ़त लेती रही है, और इस बात में भी सच्चाई है कि नगर निकाय चुनाव जो होते हैं वो सत्ता पक्ष का ही माना जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे कि मैंने शुरू भी इसी से किया था अक्षय, कि ये चुनाव जो है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कसौटी को परखने का चुनाव भी होता है कि क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है इस दौरान, ये कसौटी भी कही जा सकती है। और बीजेपी के जो तमाम वोटर्स, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो सवर्ण हैं, वो ओबीसी हैं। आपको याद ही होगा कि निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी पर किस तरीके से कार्ड खेला बीजेपी ने, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी ने कहा कि ओबीसी का जो मुद्दा है हम लगातार उसको उठाए रखेंगे। इस बार ओबीसी कार्ड खेला, पसमांदा कार्ड जो है वो यहाँ पर बीजेपी ने खेला है, और वो बढ़त जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी और सपा के बीच ही टक्कर इस दौरान नजर आ रही है, और बीजेपी की एक प्रत्याशी इस वक्त जीत भी चुकी है। अक्षय चले, बिल्कुल बहुत शुक्रिया रेशु, आप बने रहिए, हम लगातार आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर। और एक बार फिर हम कर्नाटक का रुख करते हैं, क्योंकि कर्नाटक में वोटों की गिनती लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और एपीएन न्यूज पर आप लगातार महा कवरेज देख रहे हैं। पल पल की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कांटे का मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है, हालांकि उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, तो कभी लीड लेती कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि दावे दोनों ही दलों की तरफ से अभी भी किए जा रहे हैं। अब बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देखिए रुझानों में कितना अंतर आ चुका है। 77 पर बीजेपी, जबकि 128 पर रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। जेडीएस 17 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, यानी स्थिति एक बार फिर कांग्रेस के फेवर में जाती दिखाई दे रही है। रुझानों की अगर बात की जाए तो कम से कम रुझानों में कांग्रेस मौजूदा वक्त में बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। हालांकि मुकाबला बीजेपी की तरफ से भी कड़ा दिया जा रहा है, और ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न मनना शुरू हो चुका है। यानी रुझानों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े की थाप पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि ये उत्साह जो है एग्जिट पोल्स के नतीजों के बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर झलकने लगा था, लेकिन अब आज नतीजों का दिन है, रुझान आने शुरू हुए हैं, और रुझानों में जिस तरह से कांग्रेस बढ़त बना रही है, स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं में जस्ट और ये बिल्कुल ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, ये बता रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए ये कार्यकर्ता, इनकी खुशी ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि देखिए सरकार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जो अंतर है वो काफी ज्यादा हो गया है, तकरीबन 38 से 40% का ये अंतर है दोनों ही पार्टियों के रुझानों के बीच में, क्योंकि रुझान ही नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन फिलहाल रुझान जो बता रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही है। और सभी मेहमान भी हमारे साथ नेहा लगातार बने हुए हैं, और जो बार बार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों का कितना असर मतदाताओं के जहन पर पड़ा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 117 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 42, कांग्रेस 63, जेडीएस 9, जबकि अन्य 3 सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन के रुझान अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी को 38% वोट, जबकि कांग्रेस को 44% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 117 सीटों पर रुझान अब तक सामने आए, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही, बीजेपी 42 और कांग्रेस 63, यानी अभी भी कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है, जबकि जेडीएस 9 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और एपीएन न्यूज पर लगातार आप महा कवरेज देख पा रहे हैं, और ये कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में मौजूद हो चुके हैं, और जैसे जैसे रुझान अब सामने आ रहे हैं कांग्रेस के फेवर में रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है।
बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता आखिर किस तरीके से अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, ये भी हम बयान सुनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चेहरे पर जीत का जो उत्साह है, जो जीत के संकेत मिलते हैं, वो चेहरे पर झलकता ही है नेहा। बिल्कुल, तो जीत के संकेत जाहिर तौर पर चेहरे पर झलकते हैं और ये कार्यकर्ताओं की तस्वीरें देखकर, इनको सुनकर समझ में आ रहा है कि आखिर किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो जोश से गदगद दिखाई दे रहे हैं, उत्साह से गदगद दिखाई दे रहे हैं। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं अरुणेश जी का। अरुणेश जी, कितनी बड़ी राहत की बात आप लोगों के लिए कही जा सकती है, रुझानों में तो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है। बिल्कुल, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि 10 बजे के बाद जो है एक अब नहीं कहेंगे जल्दीबाजी हो जाएगी। अब नहीं कहेंगे आप ये जल्दीबाजी है, नहीं 10 बजे तक पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, 20 मिनट बाकी है, 9:40 हो गया जी। बिल्कुल, तो 20 मिनट बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देगी। ठीक है जनता, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे रहे ना जिसमें बीजेपी की कथनी और करनी में जनता ने फर्क देखा। बीजेपी कहती कुछ और है, गुड गवर्नेंस की बात करती है, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा और बेरोजगारी की जो समस्याएं रही और जो इनका जो लोकल लीडरशिप है, तो उसमें जो आपसी कलह रही, चाहे वो सेक्टर साहब रिजॉर्ट की बुकिंग तो नहीं कराई आप लोगों ने, रही हो जी रिजॉर्ट की बुकिंग तो नहीं कराई, होटल वोटल तो कहीं बुक नहीं हुए? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, परिणाम आने के बाद देखा जाएगा कि क्या आगे की। ठीक है सर, रुक करेंगे आपका, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। कर्नाटक में रुझानों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है, तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कुछ देर पहले, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भारी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आने अब शुरू हो गए हैं, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उसकी जीत हुई, कांग्रेस ने भी यहाँ पर लगातार प्रचार किया, बंपर प्रचार किया, लेकिन प्रचार में भारतीय जनता पार्टी को पीछे नहीं छोड़ पाए फिलहाल। लेकिन रुझान जो आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, और बढ़त ही नहीं काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए, तकरीबन 38 से 40% का अंतर यहाँ पर सीटों के रुझानों में दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि कर्नाटक में जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में पहुंच गए हैं, ढोल नगाड़ों के धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मिठाइयों का इंतजाम भी कांग्रेस दफ्तर में किया गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर है। और हालांकि अभी स्टेटमेंट जो कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है कि ये आम जनता के जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे उसकी जीत है, ये अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि अभी ये रुझान है, नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुए, उसके लिए अभी भी कम से कम कुछ तो इंतजार करना होगा। हालांकि जो रुझानों में बढ़त मिल रही है उससे उत्साहित होना स्वाभाविक है, और जैसा भी डॉक्टर अरुण जी कह रहे थे कि जब नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट होंगे तो पलड़ा कांग्रेस का भारी होगा। लेकिन मनोज पंडित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, माथे पर चिंता की लकीरें? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, उदास भी नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि, तो देखो जनता का, जनता जनार्दन है और जनता जिसको मैंडेट देती है वो सिर माथे पे है, चाहे वो कांग्रेस को दे चाहे भाजपा को दे। और देखिए चुनाव तो चुनाव कोई भी राजनीतिक दल होता है वो चुनाव तो मजबूती से लड़ता ही है, और सब पक्ष अपना पक्ष विपक्ष अब रखते हैं वहां पर। अब जनता इसके बाद क्या जनादेश देती है वो सबको स्वीकार होता है, पर लेकिन मेरे को तो लगता है कि हम लोग 38 साल वाला जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने वाले हैं, और ये अभी शुरुआती रुझान है। ये आपको लग रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको लग रहा है कि दोनों की अग्नि परीक्षा है, नतीजे कम से कम ये संकेत देंगे? परीक्षा तो आप देखिए, जब चुनाव, जब बच्चा भी क्लास में जाता है पढ़ने और जो पूरे साल के बाद जो एग्जाम देता है, तो बच्चे के साथ साथ उनके माँ बाप की भी परीक्षा होती है कि कितना उन्होंने उनको बताया कि क्या करना है। तो परीक्षा की बात नहीं, नहीं परीक्षा तो सबकी है, हर कार्यकर्ता की परीक्षा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे जेडीएस का। उम्मीद की थी क्या आप लोगों ने इतना अंतर अभी रुझानों में? देखिए रुझान ही नतीजों में तब्दील होते हैं, इसमें कोई नहीं। हाँ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, रुझान ही
नतीजे में तब्दील होते हैं, पर लेकिन अभी हमें किसी नतीजे पहुंचना बड़ी जल्दबाजी सी हो जाएगी कि हम किसी नतीजे पहुंचे। लेकिन जिस तरह से धुआंधार प्रचार आप लोगों की तरफ से किया गया, महज 65 रैली वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की, और एक लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी की। आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का हर टिकी नहीं थी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का हर मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह मेहनत करता है। आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए कि गृह मंत्री भी पर्चे बांटते नजर आए गलियों में, मोहल्लों में, चाहे हम चुनाव जीते चाहे हारे उससे मतलब नहीं है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी हम लोगों ने पर्चे बांटे। सभी पार्टियों को करना चाहिए, लेकिन बोम्मई साहब ने नया कुर्ता पैजामा सिलवाया कि नहीं? अब ये तो बोम्मई साहब ही बता पाएंगे कि नया कुर्ता पैजामा सिलाया नहीं। एक तरफ ढोल नगाड़े मिठाइयां बट रही है, तैयारी बीजेपी की तरफ से क्या है? हमारी तैयारी पूरी है, ऑर्डर दिया गया, बिल्कुल सब रेडी, सब तैयारी है, और अब जैसे ही नतीजे फाइनल आएंगे तो मिठाई भी बटेगी और कुर्ते पजामे भी। बीजेपी दफ्तर में वो जोश नहीं दिखाई दे रहा? जोश तो आप ये देखिए कि उन चीजों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है जो नजर आने वाली है। अब तो ये जो जो किया है वो सब सामने आने वाला है। आंकड़े नजर आ रहे हैं उनका क्या? आंकड़े तो अभी ये रुझान है, अभी आप इनको अभी जब तक ये नतीजे नहीं आएंगे तो ये आंकड़े तो चलते रहेंगे, अप एंड डाउन होते रहेंगे। रुद्र प्रताप जी, इतना आसान है जो मनोज पंडित जी कह रहे हैं? नहीं, उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि वो तो अब मनोज जी पार्टी की तरफ से तो उनको कुछ कहना ही पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को कर्नाटक से सबक लेना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि बीजेपी की रणनीति बहुत अच्छी होती है। बीजेपी एक चुनाव की हार को दूसरे जगह से कवर करती है। अभी जैसे आज कर्नाटक में अगर जैसे रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से अगर कर्नाटक बीजेपी के हाथ से जाता है तो उसके बदले उसके पास यूपी का निकाय चुनाव है जिसमें वो प्रचंड जीत दर्ज करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि वो हिमाचल में हारती है लेकिन गुजरात की जीत इतनी बड़ी होती है। लेकिन 2024 में 400 का आंकड़ा लेकर बीजेपी चल रही है, इसमें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपको लग रहा है कितना आसान होगा? 400 का तो देखिए आंकड़ा है, वो कहने वाली बात है, वो हमेशा एक बड़ा गोल सेट करते हैं। देखिए अगर अमित शाह की तरफ से कोई गोल सेट किया जाता है तो कहा जाता है कि वो सोच समझ कर ही कोई बयान देते हैं। अच्छी बात है, 400 का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आसान होगा, बुराई तो नहीं है। 400 का आंकड़ा तो अब हमें नहीं लगता है कि कोई पार्टी छू पाएगी, लेकिन 24 बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जब बीजेपी इस चुनाव के बाद उतरेगी तो बहुत आक्रामक रूप से उतरेगी और उसके पास बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और उसको वो प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे तरीके से सफल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आप राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अभी तक उस मुद्दे को लाया नहीं गया है, लेकिन जैसे ही वो जनवरी में उसका उद्घाटन होगा, अब इस चुनाव के बाद आप देखिएगा कि बीजेपी का जो मेन एजेंडा है जिस पे बीजेपी को कोई हरा नहीं पा रहा है वो है हिंदुत्व। अब कर्नाटक के चुनाव के बाद आप हिंदुत्व के मुद्दे को आप देखिएगा कितनी मजबूती के साथ बीजेपी उठाएगी और वो 24 तक चलेगा। ठीक है पंकज जी, हिंदुत्व की बात अभी रुद्र प्रताप जी कर रहे हैं, हिंदुत्व का राग तो यहाँ पे भी अलापा गया। ये कहा गया कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया, एक रैली में 5-5 बार बजरंग बली के जयकारे लगवाए गए। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, जब पूरे देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, कर्नाटक में क्या लगता है? रुझान ये बता रहे हैं कि ये दांव फेल हो गया, रुझान ये शुरुआती रुझान। कर्नाटक का अगर माइक्रो कर्नाटक का किया जाए तो कर्नाटक 600 में बटा हुआ है, चित्तूर कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक। तो हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो कोस्टल कर्नाटक में ज्यादा प्रिवेलेंट था। पीएफआई बैन और भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या कुछ दिन पहले जो हुई थी, बीजे भाई जाब हलाल, ये सारे मुद्दे कोस्टल कर्नाटक में ज्यादा प्रिवेलेंट थे, वहां पे ज्यादा। कोस्टल कर्नाटक का जो मैं रुझान देख रहा हूँ अभी का, तो बाकी 19 सीटों में भाजपा 16 पे आगे है, तो वहां पे भी मुद्दा चला है, मगर भाजपा वहां पे सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। पिछली बार भाजपा 16 सीटें जीती है। भाजपा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है चित्तूर कर्नाटक, चित्तूर कर्नाटक में लोगों से ग्राउंड जीरो पर बात की तो चित्तूर कर्नाटक में ये इश्यू था ही नहीं, वहां पे हिंदुत्व की जगह इशू था रोड, पानी, सड़कें, ये वाले बड़े मुद्दे थे। वहां पे सड़कें टूटी हुई थी, गाँव में जब 7-7 दिन तक पानी टैंकर आता था, 7 दिन का पानी इकट्ठा कर रखते थे, वहां पे लोकल इश्यू ज्यादा बड़े थे। वहां पे भाजपा को नुकसान भी हो रहा है क्योंकि लोकल इश्यूज बड़े थे हिंदुत्व का मुद्दा।
चलिए आपको रोक रहा हूँ। लास्ट 5 ईयर्स मेड बी कोविड और एनी अदर प्राइस हाइक, आर यू सीइंग हाउ पीपल आर सफरिंग? दे आर डन विद बीजेपी, दे आर गोइंग टू थ्रो देम आउट, ओके? व्हाटएवर द अदर बीजेपी लीडर्स से, इट इज द पीपल्स वॉइस एंड टुडे पीपल विल डेफिनेटली गिव मैंडेट, वी विल कम विद थंपिंग मेजॉरिटी, दिस इज व्हाट वी आर ऑलरेडी सीइंग, वी हैव ऑलरेडी crossed our magic number 115 and this is going to be our victory and we are all very happy, very happy. Congratulations to all the public of Karnataka, each and every person who has voted. You all have voted to the right party and we are going to give a good and clean governance. Thank you. And how are you going to celebrate? Celebrate. We are already celebrating. Can you see? We are already celebrating and I don't know where this is going to go and end. We are all very happy. We hear that all the MLAs have been asked to come to Bangalore and all this thing. Yes, of course. See, all the MLAs, they are there in their own constituencies. Once they receive the winning certificate, yes, they will all come here because we have always worked together. We believe in collective leadership. So we are going to even celebrate the victory together. That is the reason we have called all of them to come over here. Your name? यहाँ तो कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ये उत्साह है। कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि आम जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया गया है। बेरोजगारी, महंगाई, ये ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस की तरफ से गिनाया जा रहा है कि इसका असर हुआ है और आम जनता बदलाव चाहती है, जो रुझानों में फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, बी एस येदुरप्पा के बेटे बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता सीटी रवि भी आ गए हैं। आपको बताते हैं कि इस बार के चुनाव में तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। चिकमंगलूर सीट से सीटी रवि आगे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े सिरसा सीट से बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये रुझान अब तक सामने आ रहे हैं। बेलारी सीट से बीजेपी के श्री रामलू पीछे चल रहे हैं, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि रुझान आ रहे हैं, कहीं पर कोई पिछड़ता दिखाई दे रहा है तो कहीं पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। बी एस येदुरप्पा के बेटे बी वाई विजेंद्र फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। रुझान अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जैसे ही ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, सबसे पहले एपीएन न्यूज के माध्यम से आपको बताएंगे। ये हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम दिग्गजों की साख गांव पर लगी है और धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। तमाम जगहों पर कई दिग्गज पीछे चल रहे हैं तो कई बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो कर्नाटक विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वर भी आपको बता दें कि पीछे चल रही हैं और साथ ही साथ लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आखिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौन आगे कौन पीछे चल रहा है और रुझान दरअसल क्या बता रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हूँ मनोज पंडित जी का। मनोज जी, जगदीश शेट्टार भी पीछे चल रहे हैं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए थे, कैसे देखते हैं? बहुत पार की नजर है भारतीय जनता पार्टी, कौन जीतेगा कौन हारेगा? वो कहते हैं जीत के जो उम्मीदवार होते हैं उस पे ही दाव खेला जाता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया था और जिनका विरोध बहुत ज्यादा था और सारी चीजें थी, फिर उसके बावजूद भी पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो कहीं ना कहीं जनता का विरोध, अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे अपने क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो चल रहा है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश में काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और जो भी जनता का आदेश आएगा वो हम लोग मानेंगे उसको और सभी मानेंगे उसको, सारे दल मानेंगे उसको और जनता ही सर्वोपरि है और इसके आगे तो कुछ है नहीं। जनता तो सर्वोपरि है, लेकिन आपको अभी भी उम्मीद नजर आ रही है कि रुझान भी पलट सकते हैं, क्योंकि नतीजे आने में तो अभी थोड़ा सा वक्त है? नहीं, रुझान तो पलटना ही है और मुझे लगता है कि जो 38 साल वाला रिकॉर्ड है वो टूटना ही चाहिए ताकि एक जो भ्रांति है लोगों के मन में खत्म हो और हम लोग प्रदेश के विकास की बात करें और प्रदेश को आगे ले जाने की बात करें। रुद्र जी, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा मनोज पंडित जी? अब कैसे नजर आएगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद आपको ऑलमोस्ट जो पिक्चर होती है वो क्लियर हो जाती है और उसमें 5-10% का अंतर हो सकता है। बट अब इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिलनी है। बहुमत के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है, वो तो चल सकता है, 80 वाला डर है लेकिन बीजेपी के लिए अब बहुमत वाली बात और ये पाना तो अभी एक बातों की बात रह गई। लेकिन
मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि बीजेपी की जीत कर्नाटक में वही है कि वो कांग्रेस को बहुमत से कितना दूर रख सकती है। अगर कांग्रेस को बहुमत से वो रोक सकती है तो बीजेपी की वो जीत है, क्योंकि सरकार बनाना उसके बाद शुरू होता है। जब कांग्रेस बहुमत में आ जाएगी तो सरकार बनाने की बात ही कहाँ बचेगी। लेकिन ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस बीजेपी ने कर्नाटक में मजबूती से चुनाव लड़ा है, बीजेपी अगर किसी भी स्थिति में अगर कांग्रेस बीजेपी 80 सीट भी जीतती है तो ये मान के चलिए कि उसने 15-20 सीट कांग्रेस को कम किया है, क्योंकि जो जिस तरह का जनता का रुख कर सकते हैं या जो वहां की परिस्थितियां थी उस हिसाब से कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत में और लगभग 120 से 30 के आसपास सीट चाहिए। चलिए, यानी आपको लग रहा है कि भाई रिजॉर्ट का खर्चा कम से कम उठाने की नौबत आ सकती है। अभी तो फिलहाल जब नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे तब ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होगी कि क्या वाकई में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसा आपने 80 का डर भी दिखाया कि अगर बीजेपी 80 सीटों तक पहुंच जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि उम्मीद पर कहते हैं कि दुनिया कायम है, और मनोज पंडित साहब को लग रहा है कि अभी तो रुझान आ रहे हैं और शायद इन रुझानों में परिवर्तन देखने को मिले और जो बीजेपी की तरफ से दावा किया गया वो दावा खरा साबित होगा। हालांकि कुछ यही दावा अवनीश यादव जी और उनकी पार्टी भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार ये महाकवरेज जारी है। पल पल की तस्वीर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों की हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं। फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहला नतीजा सामने आएगा सबसे पहले APN न्यूज़ पर हम आपको बताएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।